हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इजी कुकिंग विद नीरू पे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी ये बड़े ही आसान टेस्टी नए तरीके के कबाब जो आपने कभी बनाए नहीं होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी ये छोटे काले चने के कबाब जो देखने में इतने ज़्यादा टेस्टी और टेम्पटिंग लग रहे हैं, खाने में उतना ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा इन्हें। तो एक बार आप हमारी पूरी वीडियो देखिए और फिर इस रेसिपी को बनाइए। आपने बहुत तरीके के कबाब तो खाए ही होंगे, लेकिन आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी ये काले चने का कबाब जो देखने में इतना ज्यादा टेस्टी लगेगा और खाने में होता है। चलिए आज की रेसिपी हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा कप काला छोटा चना रात भर भिगो के रखा था। आप इसे 5 से 6 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। उसके बाद हमने इसे कुकर में डाल के उसमें पानी डाल के थोड़ा सा नमक और 6 से 7 सीटी लगा के इसको उबाल दिया है। अब इसे हम लोग पीस लेते हैं। तो ये देखिए, हमने इसे पीस लिया है और इसका एक बारीक पेस्ट तैयार कर लिया है। और हमने यहाँ पे लिया है 4 चम्मच बेसन और यहाँ पे कुछ खड़े मसाले जैसे कि काले मिर्च 1/2 छोटा चम्मच, 7 से 8 लौंग, थोड़ी सी जावित्री, 2 छोटे इलायची, दालचीनी 1/2 चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच धनिया। और यहाँ पे हम लोग इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो 2 प्याज, 4 से 5 हरी मिर्च, अदरक ये देखिए और लहसुन की कुछ कली। तो सबसे पहले हम लोग बेसन को हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है, अब कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, इसमें हम लोग बेसन डालेंगे और अब हम लोग हाई फ्लेम पे बेसन को खुशबू आने तक और थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भून लेते हैं। आपको इसे लगातार चलाते रहना है क्योंकि बेसन जो है वो कढ़ाई के तले पे लग सकता है और जल सकता है। कढ़ाई बहुत गर्म हो गई है तो आप गैस का फ्लेम लो कर लीजिए। तो ये देखिए, बेसन बहुत ही जल्दी अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो अब हम लोग इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इसी कढ़ाई में हम लोग मसाले भी रोस्ट कर लेते हैं, लगातार चलाते हुए मसाले रोस्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पे सारे खड़े मसाले रोस्ट कर लिए हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे हम लोग ठंडा होने देंगे और फिर इसका एक पाउडर तैयार करेंगे। तो जब तक हमारे मसाले ठंडे हो रहे हैं तब तक हम लोग ये प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को पीस के इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। अब इसे हम लोग ये पिसे हुए चने में डाल देंगे। तो मसाले ठंडे हो गए, इसे भी हम लोग पीस लेते हैं। तो ये देखिए, हमने मसाला भी पीस लिया है, इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हम लोग डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप तीखा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे मिला लिया है और बेसन की जरूरत नहीं पड़ी, 2 चम्मच बेसन में ही ये अच्छे से बन गया, यानी कि हम लोग अब इसके कबाब बना सकते हैं। तो अब हम लोग गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। तो कढ़ाई हमारी यहाँ पे गर्म है, तो इसमें हम लोग डालेंगे कबाब फ्राई करने के लिए तेल। हम लोग यहाँ पे कबाब को अलट पलट के फ्राई करेंगे, तो इसीलिए इसमें हम लोग डालेंगे 10 से 11 चम्मच तेल। तेल को गर्म होने देंगे, तब तक हम लोग कबाब तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, आप ऐसे लीजिए थोड़ा सा चना और अब इसे हम लोग ऐसे गोल करके हथेलियों की मदद से चिपटा कर लेंगे। तो ये देखिए, ऐसे ही हम लोग कबाब तैयार कर लेते हैं। तो तेल हमारा यहाँ पे गरम हो गया, ये देखिए। अब इसमें हम लोग कबाब डालेंगे एक एक करके आराम से, और कबाब को ब्राउन होने तक हम लोग लो टू मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। आपको इसे तुरंत डालते मान नहीं पलटना है। अगर जो कबाब है वो टूट जा रहे हैं तो आप उसमें बचा हुआ बेसन डालिए, तो जिससे जो कबाब है वो नहीं टूटेगा। तो ये देखिए, कुछ कबाब यहाँ पे हमारे हो गए हैं फ्राई, तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, देखने में कितने ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं और ये टूटे तो हैं ही नहीं, ये देखिए। ऐसे ही हम लोग और कबाब तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे कबाब कर लिए हैं फ्राई, तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं।
तो ये देखिए हमारा बहुत ही ज्यादा टेस्टी काले चने का कबाब बन के तैयार है, जो देखने में कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है। ये देखिए, इसे आप पराठा, रोटी या नान किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान है ये बनाने में और खाने में टेस्टी, तो जरूर बनाइएगा। और अगर आपको हमारी ऐसी और भी अच्छी और नई रेसिपी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करने से हम लोग जब भी नए वीडियो डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको उसकी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जब हम लोग नई रेसिपी अपलोड करें तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।